हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 की कब होने वाली है। ओके, सो कब हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, सो जैसे कि हमने देखा था पिछली बार की नोटिफिकेशन आया है पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर द जेएमआई यूनिवर्सिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट्स एवरीडे मिल सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है जेएमआई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही बार बताया था कि यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं। सो जब आप यहाँ पे इन द वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2022-2023 लिखा है। सो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको नया विंडो मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन 18 नवम्बर को आया था। ओके, सो नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन है एंड जेएमआई यूनिवर्सिटी ने पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो फॉर्म्स होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, वो 22 नवंबर से शुरू किए थे एंड जिसकी लास्ट डेट थी 22 दिसंबर। सो इसकी लास्ट डेट अब निकल चुकी है बिकॉज आज 23 दिसंबर है, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखने वाले हैं कि अब जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कब हो सकती है। सो जैसे कि पिछले साल जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो थी वो 2022 में ही हुई थी, बट आप 2023 के लिए देख रहे हो, राइट। सो 2022 आपके लिए पिछला साल हो गया। सो जेएमआई यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन टेस्ट मई 27 से लेकर मई 29 में ली थी 2022 में। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इसके एग्जैक्टली अपडेट्स क्या थे। सो इसकी जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की फॉर पीएचडी वो थी 30 अप्रैल 2022 एंड एडमिट कार्ड आया था 19 मई को एंड एंट्रेंस टेस्ट थी 27-29 मई 2022 तक थी। ओके, सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या है। सो जैसे कि हमने देखा कि 22 नवम्बर को नोटिफिकेशन 22 नवम्बर को एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे एंड 22 दिसंबर एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, यानी कि ठीक अब से एक महीने बाद आपकी एग्जाम हो सकती है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज एप्लीकेशन जो डेट थी, लास्ट डेट थी, वो अप्रैल 30 थी और एग्जाम हुई 27 मई से 29 मई के बीच में, राइट। तो ये मोस्ट प्रोबेबल है कि जेएमआई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अगले महीने में कंडक्ट करेगी और कुछ ही दिनों के बाद जेएमआई यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सारे स्केड्यूल्स भी नोटिफाई करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला आपको कि मई 27 एंड मई 29 में पिछले ईयर एग्जाम हुई थी, बिकॉज पिछले ईयर 2022 में जनवरी में कोविड 19 के केसेस काफी बढ़ गए थे। सो जेएमआई यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन किया था एंड दैट्स व्हाई ये एग्जाम्स थोड़े लेट हो गए थे। बट इस साल यानी कि 2023 में ये एग्जाम्स जल्दी हो रहे हैं बिकॉज अभी कोई क्राइसिस नहीं है। सो आप ये सोच के रहिएगा कि अब एप्लीकेशन के लास्ट डेट तो हो गए हैं, सो कभी भी जेएमआई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के डेट्स नोटिफाई करेंगी एंड ऑल्सो उसके बाद सारा पीएचडी का आपका जो स्केड्यूल है, एडमिशन स्केड्यूल, वो भी नोटिफाई करेगी। लाइक आपके एंट्रेंस टेस्ट कब होंगे, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, देन आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो आप कैसे सबमिट करोगे, उसकी लास्ट डेट वगैरह वगैरह सारी चीजें, यानी कि इंटरव्यू डेट कब होगी, कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज, कमेंसमेंट ऑफ सेशन, वो सारे डिटेल्स जेएमआई यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे थोड़े ही दिनों में नोटिफाई करेंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कुछ ही दिनों में यानी कि नेक्स्ट मंथ में होकर ही रहेगी। सो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कंप्लीट कोर्स की मदद से आप जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को गारंटीड क्रैक कर सकते हो। बिकॉज जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जो पेपर्स होते पेपर 1 एंड पेपर 2, सो पेपर 1 ये सभी के लिए कॉमन रहता है, विच इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50% स्कोरिंग होता है। एंड अगर आपको जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन आपको 50% मार्क्स हासिल करने पड़ते। सो इस कंप्लीट कोर्स की मदद से आप 50% मार्क्स हासिल कर सकते हो। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंप्लीट कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपको थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों ही मिलेंगे। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 एमसीक्यूज, तो ओवरऑल आपके इसी में से ही 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें
1500 से भी ज्यादा MCQs रिवीजन PDF भी मिल जाएगा, ताकि आप सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको एंड एज वेल आपकी कॉन्सेप्ट्स भी काफी बिल्ड हो जाती है. ओके, सो स्टूडेंट्स आपको गारंटीड इसी में से ही 80 MCQs मिल जाएंगे आउट ऑफ 100 MCQs इन द JMI PhD एंट्रेंस एग्जाम. और ये सारा स्टडी मटेरियल आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंप्लीट कोर्स को अगर परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड ग्लोबल ऑनलाइन ऐप के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक्स प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो. और इस कंप्लीट कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है, तो काफी कम है. सो स्टूडेंट्स मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप इस टाइम को आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो. आप अगर आप कोर्स को परचेस करते हो तो गारंटीड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप JMI PhD एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई करोगे ही, बट ऑल्सो आपको पेपर 2 के लिए भी टाइम मिलता है कि आप उनके लिए प्रिपरेशन कर सको. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंप्लीट कोर्स को अगर आप परचेस करते हो तो आप अल्टीमेटली व्हाट्सएप ग्रुप को ही ज्वाइन करते हो. ओके, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एवरीडे लेक्चर्स शेयर करती हूँ, इवन PDF नोट्स शेयर करती हूँ, PYQs भी शेयर करती हूँ, एज वेल अगर JMI PhD एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर कोई अपडेट्स रहते हैं तो वो भी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते हैं. और अगर आपको रिसर्च प्रपोजल रिसर्च थीसिस बनाने में अगर कोई असिस्टेंस चाहिए, देन ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको उसके लिए भी असिस्ट करता है. सो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप की हेल्प से की जाती है. तो अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो अल्टीमेटली आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर पाओगे. सो स्टूडेंट्स आप इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर द सेम. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. ओके.